एलपीजी की कीमत में हुई वृद्धि के विरोध में कांग्रेस कमेटी के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी फिरोजाबाद के अध्यक्ष संदीप तिवारी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा घरोई रिलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की वृद्धि तथा वाणिज्यिक सिलेंडर में 350 रुपये की वृद्धि पर दबरई स्थित जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं जनपद फिरोजाबाद के प्रभारी आशुतोष दीक्षित शामिल हुए। प्रदेश सचिव आशुतोष दीक्षित ने कहा कि गैस की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन रहेगा। वहीं बढ़ी हुई कीमतें वापस नहीं ली गई तो इस मौके पर हाथों में तख्तियां लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा आओ, महंगाई घटाओ, महंगाई पर हल्ला बोल, गैस की कीमत कम करो आदि के नारे लगा रहे थे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा, इस सरकार का गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, जवान, महिला, युवाओं को परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस वृद्धि का विरोध करती है, इसे वापस लेने की मांग होगी, जिसे होली के त्यौहार पर आम जनमानस पर जेब पर बोझ ना पड़े। हमारी माता बहनों को इस सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण अपनी रसोई चलाना मुश्किल हो गया। कांग्रेस पार्टी इस वृद्धि की निंदा करती है। प्रदर्शन करने के दौरान जिला उपाध्यक्ष मनोज बटेले, AICC सदस्य प्रतिमा पाल, महिला जिला अध्यक्ष योगेश दिवाकर, PCC सदस्य शशि शर्मा, जिला उपाध्यक्ष क्षेत्रपाल सिंह यादव, टूंडला नगर अध्यक्ष योगेंद्र सिंह सतोजिया, जिला महासचिव चंद्रकांत यादव, PC सदस्य शाहबत खान राजू, PC सदस्य हाजी नसीर अहमद लाला, रायन साइन यश दुबे आदि लोग मौजूद रहे। स्वराज सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24।